ये पैदल चाल्या भरतरी जाका लिख्या ललाड़ी। अरे सोया सोया क्या करे तो सोया ने आवे, यो काल सिराने आ गयो जू तोरण आ गयो। अरे राजा सुतारे मेल ए माई तरसना जागी, ओ जाने मिल गया गोरख नाथ भरमणा भागी। बोला हाथ उठा करके बोलो शंकर भगवान की। ईश्वर के कारण जोग फकीरी राजा तारी तारी तारी। बोलो हाथ उठा करके शंकर भगवान की।
एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत मत तोड़, हे राजा एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत मत तोड़े। हरी हरी सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, हे भरतरी थारी ईश्वर के कार ए जोग पटी जोगो रंग नाथ रात छुटवा, ये थारा मर जोगो रंग करे नाता, थारा पी दाता लकिया लेख करे नातारी। सारी सफल कमाई माँ भरतरी सारी भरतरी तारी ईश्वर के कार ए जोग फकीरी। सत्संग में कहानी किया करूं, छोटी सी कहानी है पर बात बड़ी गंभीर है, आपको समझ में आ जाए कि एक बात है कि आज इस युग में आप लोग इतने सत्संग से जुड़े हैं, लेकिन सत्संग का जुड़ने का तात्पर्य क्या है ये थोड़ा ध्यान में रखना। राष्ट्र सेवा गौ सेवा, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं या तो सुमिरन कर लो या सेवा कर लो।
अब आपको सुमरण करने की बात कहें तो मुश्किल पड़ती है कि सुमरण होता नहीं है, आप सेवा कर सकते हो। और अभी युवाओं ने गौ माता की बहुत सेवा करी और इस सेवा को और सुमरण को भूल गया तो समझ लो उसने मनुष्य जन्म गमा दिया। एक समय की बात, कोई विद्यार्थी थे पढ़ने के लिए बंबई गए, उनकी परीक्षा थी, पांच छह विद्यार्थी थे और बंबई गए। बंबई में उनको रहने का ठिकाना नहीं मिला तो कोई एक मित्र था तो उसने बताया कि मेरा एक कमरा है वो 100 मंजिल के ऊपर है, 100 मंजिल के ऊपर मेरा कमरा है, आप छो वहां जाकर के विश्राम कर लेना, अरे ये चाबी ले जाओ। वो 6 विद्यार्थी वहां पहुंच गए उस बिल्डिंग में, वहां लिफ्ट के पास में गए तो वहां लिखा था कि खेद है ये लिफ्ट खराब हो गई है, कृपया इस पेड़ियों पर चढ़ करके अपनी मंजिल तय करें। अब वो 6 के गोडे टूट गए, बोला 100 मंजिल कौन चढ़ेगो। तो 6 ने मिलकर के बात करी, बोले एक काम करा, बात करता करता कोई कहानी कहता कहता ऊपर चढ़ जाऊंगा। तो एक ने कहा कि चलो पहले कहानी मैं कह दूं, फिर दूसरा कह देगा, तीसरा कह देगा, चौथा, पांचवा, छठा, और 6 कहानी कहते कहते चढ़ जाएंगे। और पहला चढ़ता, पहला कहानी कहने लगा तो 20 मंजिल चढ़ गए, दूसरा कहने लगा तो 40 चढ़ गए, तीसरा कहने लगा तो 60 मंजिल पहुंच गए, चौथा कहने लगा तो 80 मंजिल पहुंच गए, पांचवा ने शुरू करी कहानी 90 मंजिल 95 मंजिल पहुंच गए। तो चारों ने कहा पांचवा तू ही पूरी कर देगा, तो छठा तो कहानी कह ही नहीं सकेगा, तो तेरी कहानी तो रहने दे, पहले इसकी सुन ले। तो छठा वाला बोला भाई थे ही पूरी कर दियो, मैं तो थाके साग ही हूं। बोले नहीं नहीं तेरे को भी कहनी पड़ेगी। ऐसे कहते कहते 99 मंजिल पहुंच गए, एक ही मंजिल बाकी था। अब वो बोले कि अब भाई एक कहानी तो कह दे तू भी, छोटी सी बात कह दे पता चढ़ जाऊंगा। वो छठो बोले भाई देख मेरे तो रहने दो थे कहानी थे ही क्यों। तो 6-5 अड़ गए, बोले कहानी किया बना तो चढ़ी कौन सका। तो छठो बोले हमारी कहानी तो यही है भाई, आप चढ़ तो गया 99 मंजिल पर, वो चाबिया तो कमरा की नीचे ही रहेगी गाड़ी में। राम नाम लियो नहीं कियो ने हरि से, अब पछताया क्या होत तारो चढ़िया चुग गई। बोलो गुरु महाराज की। तो भाई आज चाबी जो है सुमरण और सेवा ही चाबी है, इन्हें भूल जाऊंगा आप जागरण करता ही ज्ञान है तो मंजिला चढ़वा में कोई फायदो को नहीं। तो मैं चूल्हा की आग गाऊंगा है ना, इस बीच जब चूल्हा की आग गाऊं तो हम सब गोदान के लिए सब तैयार हो जाएं। अरे एक बार दोनों हाथ उठा करके बोल गए गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की।